नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पुलिसिया कार्यशैली से प्रताड़ित एक बुजुर्ग डीसीपी साउथ कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गया। इतना ही नहीं, बुजुर्ग ने नौबस्ता थाना पुलिस पर दबंगों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। बुजुर्ग ने कहा, अगर आज शाम तक दबंगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना देते हुए आत्मदाह कर लेंगे। दरअसल नौबस्ता के संजय गांधी नगर इलाके में दशहरे के दिन घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीट दिया था, जिससे बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। बुजुर्ग ने थाने जाकर दबंगों की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने दबंग पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा बुजुर्ग को थाने से चौकी और चौकी से थाने के चक्कर लगवाए। प्रताड़ित होकर आज बुजुर्ग डीसीपी साउथ कार्यालय पहुंचा और आमरण अनशन पर बैठ गया। फिर क्या हुआ था? आपने चौकी, उसके बाद में थाने चौकी गया, चौकी से थाने बेटी आ गया, थाने से कराने के बाद सुबह से फिर एक्सरे हुआ और पुलिस अभी तक अभियुक्तों की कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे और अभियुक्त घूम रहे खुलेआम और कह रहे हैं अभी कम मारा आप ये और मारेंगे। ये सब देखो, थाने गए आप? जी हाँ, थाने कई बार जा चुका हूँ। इसके बाद भी सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आप अनशन में बैठ गए हो क्या? काहे के लिए, क्यों, कितने दिन तक बैठे रहे हो? तब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। मेरे पास मेरे जहाँ में वाई ब्लॉक के जवाई नगर में मेरी जहाँ दुकान है उसी के सामने कुछ अराजक तत्व रहते हैं, गोपाल त्रिवेदी और अनु त्रिवेदी। उन्होंने आपस में झगड़ा कर रहे थे तो मोहल्ले के नाते मैंने उनसे कह दिया कि आज त्योहार है, झगड़ा मत करें, तो उन्होंने मुझको मारना शुरू कर दिया। मुझे इस तरीके से मारा गया। आप पुलिस, आप थाने पे गए या चौकी पे गए, कुछ सुनवाई हुई आप? मैंने पहले चौकी गया, फिर उसके बाद थाने गया। थाने में मेरा मेडिकल के लिए भेजा गया काशीराम, काशीराम से रात में पूरा मेडिकल नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन पुनः भेजा गया मेडिकल के लिए, तो उसके बाद काशीराम से उर्थला के लिए रेफर किया गया और रेफर करने के बाद जब मैं आया तो तीन दिन हो गए, चार, अभी तक अभियुक्तों की कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, न पुलिस वहाँ जा रही है। अगर आपकी जो मांगे हैं जो गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे आप कौन क्या कदम उठाएंगे? मैंने बताया ना कि कल मैं आज शाम को 6 बजे के बाद लखनऊ चला जाऊंगा और कल मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना दूंगा। जिन पर मेरी फिर भी नहीं न्याय चुनी जाती है तो वही मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह कर लूंगा।